आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग क्यों जरूरी है? कपल की सेक्सुअल हेल्थ काउंसलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैम सेक्सुअल काउंसलिंग के रिजल्ट आते भी हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसका रिजल्ट जो है वो कितने टाइम के बाद आता है। इस वीडियो में बात करते हैं इस टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फतिहा अशरफ, मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बेसिकली है सेक्सुअल काउंसलिंग के बारे में। सेक्सुअल काउंसलिंग जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या रिजल्ट आते हैं और ये किन किन इशूज पे अप्लाई की जाती है, इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर किसी पर्सन को पोर्न वीडियोस की एडिक्शन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या कोई सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग है तो उसके लिए सेक्सुअल काउंसलिंग बहुत ज्यादा बेस्ट है। सेक्स को लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत से मिथ्स हैं, इस मिथ्स को कवर अप करने के लिए जो है वो सेक्सुअल काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर हम बात करें पोर्न एडिक्शन की तो पोर्न जो है वो एक अनरियलिस्टिक चीज है। अनरियलिस्टिक चीजों को लोग अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई करते हैं और एक मिथ समझते हैं कि जैसे कि रियल लाइफ पे कैसे अप्लाई करते हैं कि इसकी टाइमिंग इतनी ज्यादा है तो मेरी कम क्यों है, इसकी बॉडी शेमिंग ऐसी है तो मेरी क्यों। सेक्स के रिलेटेड हमारी सोसाइटी में बहुत से मिथ्स हैं और आपके माइंड में अक्सर बहुत सी मिसकंसेप्शंस होती हैं कि इन चीजों को कैसे ओवरकम किया जाए। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल काउंसलिंग के रिजल्ट की तो सेक्सुअल काउंसलिंग आपके माइंड में जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करती है। कपल सेक्सुअल काउंसलिंग किस चीज का नाम है? अगर कपल सेक्सुअल काउंसलिंग की बात करूं तो इसमें कपल्स के रिलेटेड कोई भी सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज है उसको रिजॉल्व किया जाता है। सेक्सुअल काउंसलिंग उस पर्सन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शादी करना चाहता है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो शादी के बाद कैसा परफॉर्म करेगा, उसकी क्या नीड्स हैं, वो उनको किस तरह जो है वो फुलफिल करे, तो उस पर्सन के लिए भी सेक्सुअल काउंसलिंग बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। सेक्स बेसिकली है क्या? सेक्स जो है वो बेसिकली आपकी बेसिक नीड्स है, जहाँ पर आपकी बेसिक नीड्स में खाना पीना और सोना है, इसी तरह सेक्स भी जो है वो आपकी एक बेसिक नीड्स है और इस नीड का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ये नीड फुलफिल नहीं हो रही तो आपका आप मेंटली और फिजिकली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हो, मेंटली आप गुस्से का चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हो, आप बात बात पर जो है वो चिड़चिड़ेपन में आ जाते हो, इसीलिए आपकी ये बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल होना ज़रूरी है। कपल के रिलेटेड अगर कोई भी मिसकंसेप्शंस है या कोई कपल उनकी सेक्सुअल नीड फुलफिल नहीं हो रही तो इसके रिलेटेड सेक्सुअल काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेक्सुअल काउंसलिंग जो है वो हमेशा माइल्ड लेवल के इश्यूज को डील करती है और इसके बहुत ज्यादा अफेक्टिव रिजल्ट होते हैं। कपल की सेक्सुअल काउंसलिंग जो है वो हमेशा उस वक्त की जाती है जब कपल्स में दोनों के दरमियान कोई मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं और वो अनरिजॉल्वेबल हो, तो इस मिसकंसेप्शंस की वजह से उनका रिलेशनशिप भी अफेक्ट होता है, तो इसलिए बेहतर है कि वो सेक्सुअल काउंसलिंग की तरफ आए। सेक्स थेरेपिस्ट जो है वो उनको मुख्तलिफ किस्म की बुक रिकमेंड करता है या उनकी थेरेपी के जरिए उनके मिसकंसेप्शंस को दूर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा सेक्सुअल काउंसलिंग जो है वो पोर्न वीडियोस की एडिक्शंस के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। सेक्स काउंसलिंग उस तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करती है जो कि माइल्ड लेवल के इश्यूज होते हैं। अगर कभी बहुत ज्यादा बढ़ के इशू हो गया, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का इशू है जो कि सेक्सुअल काउंसलिंग से ठीक नहीं हो रहा, देन जो है वो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। पोर्न वीडियोस के एडिक्शंस की वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि आफ्टर मैरिज जो है ये एडिक्शन खत्म हो जाती है, लेकिन ये चीज भी जो है वो नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो आफ्टर मैरिज जो है इन चीज़ों को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं और उनकी जो है वो लाइफ डिस्टर्ब होती है। और सेक्सुअल काउंसलिंग उस पर्सन के लिए भी बहुत बेस्ट है जिसकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ होता है। ट्रॉमा फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास केस आया, उसमें जो पेशेंट थी उसमें बचपन में उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से वो नेक्स्ट अपने हस्बैंड के साथ जो है वो सेक्स नहीं कर पा रही थी। उसके माइंड से वो डर और वो ट्रॉमा को जब ख़त्म किया गया तब वो अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल हुई और देन उनकी हैप्पी लाइफ स्टार्ट हुई। उन तमाम इशूज़ को ये रिजॉल्व करती है जिसमें किसी वजह से पर्सन के माइंड में कोई ट्रॉमा होता है या कोई ना कोई ऐसी बात उसको ट्रिगर कर रही होती है जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता। बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम इसके रिजल्ट जो है वो कितने टाइम बाद आते हैं, तो डेफिनेटली हर पर्सन के प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, तो हर पर्सन का असेसमेंट प्लान भी डिफरेंट होता है। ये आपके थॉट्स पे और आपके असेसमेंट प्लान पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। और इसके अलावा थेरेपी में ये चीज देखी जाती है कि आप खुद का आपका रिएक्शन कैसा, कितनी जल्दी चीजों को जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अब मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या ओला डॉक के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।